नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कुछ ऐसे अंदाज में नजर आए जिसको लेकर उनकी खूब चर्चा हो रही है। अनुराग ठाकुर नमो हैट्रिक लिखी श्वेत शर्ट पहने हुए नजर आए थे। पूछने पर बोले, ये पूरे देश की जनता के दिल की आवाज है जो मेरे श्वेत शर्ट पर उतर आई है। केंद्रीय मंत्री के साथ पहुंचे रवि किशन और मनोज तिवारी ने भी सुर में सुर मिलाया, लेकिन केंद्रीय मंत्री की कवायद विपक्ष को रास नहीं आई। 100 सवा 100 दिन बाकी और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। पीएम मोदी का संसद भवन के भीतर दिया गया नारा अब संसद परिसर में गूंज रहा है, जिसे राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक पहुंचाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। एक नए स्लोगन नमो हैट्रिक के साथ पीएम मोदी ने संसद भवन के भीतर 400 पार का नारा दिया, तो संसद परिसर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर नमो हैट्रिक लिखी स्वेटशर्ट पहने नजर आए। मीडिया के कैमरे की नजर जब उनकी स्वेटशर्ट पर पड़ी तब सवाल पूछना लाजमी था। पत्रकारों ने पूछा कि ये क्या है, तब मंत्री जी बोले, देश की जनता मोदी जी की हैट्रिक चाह रही है, तो हम जैसे सांसदों की भी चाह है कि नमो हैट्रिक की स्वेटशर्ट पहनकर पार्लियामेंट में पहुंचे। देखिए, सांसदों के मन में भी एक जिज्ञासा है कि जहां एक और देश ने मन बनाया कि मोदी जी की हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार सरकार बनाएंगे, वहीं पर सब चाहते हैं नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहनकर, हुडी पहनकर जगह जगह जाए। जहां एक और वातावरण ऐसा हुआ कि मोदी सरकार चुनने के लिए, आज सांसदों में भी एक होड़ है कि नमो हैट्रिक की टी शर्ट पहन के, हुडी पहन के जाएंगे। जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नमो हैट्रिक लिखी स्वेटशर्ट पहनी तो योगी जी के नगर गोरखपुर से सांसद रवि किशन का भी मन मचल उठा कि हम भी कुछ बोलें। बस क्या था, अगले पल माइक अभिनेता से नेता बने रवि किशन के सामने पहुंचा और उन्होंने कहा, मोदी जी की वजह से पूरा देश राममय है, प्रभु श्री राम की तरह मोदी जी दिल में बसे हैं, लिहाजा उन्हें स्वेट शर्ट पर उतार लिया है, ये दिल की आवाज है। 140 करोड़ की जनता के मन में ये डिमांड आ चुका है, तो हम लोग तो कार्यकर्ता हैं। नमो अगेन था, अब नमो हैट्रिक है, पूरा देश राममय हो चुका है इस विकास के रथ के साथ। हर जात हर बिरादरी नमो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को चाहती है, तो ये दिल की आवाज है जो टी शर्ट में हुडी के रूप में आ रही है। जब अनुराग ठाकुर और रवि किशन ने नमो हैट्रिक पर बोला तो गायक से अभिनेता और अभिनेता से नेता तक का सफर तय कर चुके तिवारी जी भला कैसे चुप रहते, लिहाजा दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी पूरे सुर लय और ताल के साथ बोल पड़े। ये जन जन का आह्वान है, इसी भाव में हिंदुस्तान है, नमो हैट्रिक करने के लिए देश तैयार है। बीजेपी सांसद तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगा रहे हैं, तो इंडी गठबंधन बनाकर केंद्र की सत्ता पर काबिज होने का ख्वाब देख रही विपक्षी पार्टियां भला कैसे चुप रहती, लिहाजा विपक्ष से भी आवाज आई। आपको इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। भले ही अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई, आम चुनाव में 100 दिन से कुछ ज्यादा का ही समय बचा है, लेकिन केंद्र की सत्ता के सर्वोच्च शिखर की लड़ाई शुरू हो चुकी है। एक तरफ नमो हैट्रिक का नारा है तो दूसरी तरफ मोदी विरोधी क्षेत्रीय शत्रुओं के कुनबे को जोड़कर बना इंडी गठबंधन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। झाबुआ में होने जा रहे अपने कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी आदिवासी, पिछड़ी और विशेष पिछड़ी जातियों को कई सौगातें भी देंगे। इसके साथ ही बीजेपी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के महासंग्राम का बिगुल फूंकने जा रही है। पीएम मोदी के इस दौरे के जरिए पार्टी एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश करेगी। पार्टी की कोशिश होगी कि इस कार्यक्रम की गूंज गुजरात राजस्थान तक पहुंचे। पीएम मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं।
आदिवासी बेल्ट झाबुआ में वो कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसी के साथ ही सूबे के आदिवासी बेल्ट से बीजेपी अपने महाअभियान की शुरुआत करेगी। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के जरिए पार्टी पिछड़ी विशेष जनजाति और आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश करेगी। सूबे के मुखिया मोहन यादव पीएम मोदी के दौरे को शुभांकर बता रहे हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मध्य प्रदेश में आगमन हो रहा है और हम सबको मालूम है कल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक तरह से उनकी पुण्यतिथि है। हम सब मान के चलते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का आना शुभंकर रहेगा। पीएम मोदी यहां 7,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। विशेष पिछड़ी जनजातियों की लगभग 2,00,000 महिला लाभार्थियों को आहार अनुदान की मासिक किस्त जारी करेंगे। विभिन्न विशेष पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए 1,500 रुपये महीना दिया जाता है। पीएम स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार पत्र देंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गांव के लिए 55,09,00,000 रुपए की राशि जारी होगी। प्रधानमंत्री झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिए नल जल योजना का लोकार्पण भी करेंगे। झाबुआ में पीएम मोदी टंटिया मामा भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाले ये विश्वविद्यालय छात्रों के समुचित विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। उधर कांग्रेस पूछ रही है, पीएम मोदी जब इतना कुछ दे रहे हैं तो उन्हें प्रदेश की सरकार से पूछना चाहिए आदिवासी पिछड़े क्यों हैं। जिस तरह से आदिवासियों का जनजाति उपयोजना का पैसा है, जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है 207 करोड़, जो आदिवासियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार के लिए उपयोग होना था, वो पूरी तरह से दूसरे विभाग में दे दिया गया। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सवाल सरकार से करना चाहिए कि आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन के लिए या डबल इंजन की सरकार के लिए, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जनजाति समुदाय वोट बैंक नहीं है। हमारी प्रतिबद्धता है, हम उनके सेवा, समृद्धि और विकास के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इसलिए उनके महापुरुषों का सम्मान का मसला हो, क्योंकि वो केवल उस समाज के, उस वर्ग के नहीं बल्कि पूरे देश के महापुरुष रहे हैं। उनके साथ भेदभाव उपेक्षा का काम कांग्रेस काल में हुआ। मध्य प्रदेश के 54 जिलों में 56 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें 6 आदिवासी समुदाय हैं, जिसमें भील, गोड़, कोल, कुर्क, सहरिया और बैगा शामिल हैं। राज्य में आदिवासियों की अनुमानित संख्या 1,53,00,000 मानी जाती है। आदिवासी पिछड़े विशेष पिछड़ी जनजाति वोट बैंक को मजबूत करने पर जोर होगा। गुजरात सीमा से लगे आदिवासी बाहुल्य झाबुआ के एक दौरे से पीएम मोदी कई निशाने साधने की कोशिश करेंगे। झाबुआ में पीएम मोदी की सभा की आवाज गुजरात तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश होगी। वासु चौरे, न्यूज 18 भोपाल। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि झाबुआ पर क्यों खास नजर है पार्टियों की, खास तौर से बीजेपी की। आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटें रिजर्व हैं, मतलब आरक्षित हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। देश की कुल आदिवासी आबादी का 17.70% मध्य प्रदेश में है। ये एक बड़ी बात, 17% से ज़्यादा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 1,50,00,000 से भी ज़्यादा है। आदिवासी बाहुल इलाका है मध्य प्रदेश में, बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर रहते हैं। झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट पर अभी तक 18 चुनाव हुए। देखिए, 18 चुनाव हुए हैं झाबुआ आदिवासी सीटों पर। 14 बार कांग्रेस ने झाबुआ रतलाम लोकसभा सीट जीती है और यही वजह है कि बीजेपी की नजरें हैं इन सीटों पर। साल 2014-2019 में ये लोकसभा बीजेपी ने जीती थी। दो बार की मैं बात कर रहा हूं अभी तक। झाबुआ से मोदी की रैली का असर गुजरात, राजस्थान तक हो, ऐसी कोशिश है बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बनाने की कोशिश यहां पर करते हुए गुजरात के दाहोद, छोटा उदयपुर, पंचमहल, महीसागर तक असर इसका होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है पीएम मोदी की रैली का। राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर,
प्रतापगढ़ जिले तक इसका असर होगा, मतलब कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होने वाली है उसके असर की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान और गुजरात की कई सीटों पर इसका असर हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी के, और यही वजह है कि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को एक बार फिर से भुनाया जाए। और लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा जिस तरीके से बीजेपी दे रही है, 400 पार का नारा, ये एक मुश्किल टास्क तो है, लेकिन नज़र आता है कि जिस तरीके से बीजेपी अपने बड़े फैसले ले रही है उससे ये संभव भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं आप। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के अभियान का बिगुल फूंक दिया है। पार्टी ने बीजेपी ज्वाइनिंग महाअभियान और गांव चलो अभियान के साथ ही एक तीसरे अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने भोपाल में दीवार लेखन अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका श्री गणेश सीएम मोहन यादव ने किया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा सीटों की संख्या में इस बार इजाफे की कवायद में जुटी हुई। एक बार फिर से मोदी सरकार। ये दीवार लेखन प्रतियोगिता नहीं, दीवार लेखन अभियान है, जिसे बीजेपी ने शुरू किया है। केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया और एमपी नेतृत्व जुट गई दीवार लेखन अभियान में। सीएम मोहन यादव ने कूची उठाई और दीवार पर स्लोगन लिखने में अपना नाम दर्ज कराया है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में पार्टी ने तीसरी बार मोदी सरकार के तीसरे अभियान का आगाज कर दिया। और ये भारतीय जनता पार्टी है जहाँ पर मुख्यमंत्री से लेकर के हर दायित्ववान कार्यकर्ता जिसको जो काम मिल जाए वो अपने पार्टी भाव से करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी ने जो आह्वान किया उसी सिलसिले में आज दीवार लेखन किया है। मोहन यादव जब दीवार पर स्लोगन लिखने उतरे तब उन्होंने स्वच्छता अभियान का ध्यान रखा, लिहाजा स्लोगन लिखने के बाद उन्होंने कहा कि दीवार लेखन अभियान चला रहे हैं, पार्टी का प्रचार करना है लेकिन स्वच्छता का ध्यान भी रखना है। दीवार के मालिक से अनुमति लेकर इस पर स्लोगन लिखा गया है। हम सब उस अभियान के अंतर्गत फिर एक बार मोदी सरकार, एक बार फिर से मोदी सरकार इस अभियान के अंतर्गत आज दीवार लेखन में मैं स्वयं सम्मिलित हुआ हूँ। और ये निजी मकान पे उनकी स्वयं की दीवार पे सहमति के साथ हमने आज दीवार लेखन किया है, क्योंकि हमको स्वच्छता का भी ध्यान रखना है, शुचिता का भी ध्यान रखना है, लेकिन पार्टी का प्रचार भी करना है। एक तरफ मध्य प्रदेश बीजेपी कह रही है अब की बार 29 पार, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के अभियान में पीछे नहीं रहना चाहती है। पार्टी आम चुनाव की रणनीति बना रही है, साथ ही सत्ताधारी पार्टी के अभियान पर सवाल भी उठा रही है। अपनी स्ट्रेटेजी बनाने का हर राजनीतिक दल को संवैधानिक और नैतिक अधिकार है, उसमें बीजेपी भी शामिल है, हम उससे क्यों चिंतित हो। मगर समस्याग्रस्त मध्य प्रदेश में यदि मुख्यमंत्री जी को दीवारें लिखनी पड़े तो यह भी एक विचित्र और हास्यास्पद स्थिति है। बीजेपी एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी अभियान और पीएम मोदी के चेहरे पर साल 2024 के महासंग्राम का मैदान मार लेना चाहती है। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के पास मौका है लोकसभा चुनाव में अपने आंकड़े सुधारने का। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। क्या राज्यसभा जाएंगे कमलनाथ? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। चर्चाएं ये हो रही हैं कि एमपी कांग्रेस मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कमलनाथ को राज्यसभा भेज सकती है। ऐसी सियासी गलियारों में ऐसी चर्चाएं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच प्रदेश कांग्रेस के बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हैं। हालांकि ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से हो रही हैं, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि कमलनाथ राज्यसभा जाएंगे कांग्रेस की तरफ से, इसकी पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से ये खबरें हैं, सियासी गलियारों में इसकी चर्चाएं हैं। 13 फरवरी को कमलनाथ के कांग्रेस विधायकों को डिनर पर बुलाया है और इससे पहले उनके दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद ये चर्चा और तेज हो गई। देखिए, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे कमलनाथ राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं।
एमपी कांग्रेस के गलियारे से निकलकर आ रही खबरों पर भरोसा करें तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। इस खबर ने तब जोर पकड़ा जब कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को 13 फरवरी को डिनर के लिए न्योता भेजा। कमलनाथ ने पार्टी के सभी विधायकों को 13 फरवरी रात 8 बजे भोपाल में डिनर के लिए बुलाया है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों कमलनाथ ने दिल्ली जाकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जताई। हालांकि प्रदेश के नेता इस मुद्दे पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। देखिए खबर क्या है ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के और देश के नेता हैं हमारे कमलनाथ जी, और निश्चित तौर पे कमलनाथ जी की मुलाकात केंद्रीय नेतृत्व से होती रहती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा मैं समझता हूँ कि शायद मेरा कहना कुछ उचित नहीं होगा, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो मध्य प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता को और मध्य प्रदेश की पार्टी को शिरोधार्य होगा और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों का पालन कर जो वो आदेश करेगा उसी का पालन किया जाए। कमलनाथ के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच ये खबर भी जोर पकड़ने लगी है कि कमलनाथ को दरकिनार किया जा रहा है ताकि प्रदेश कांग्रेस के नए नेताओं को मौका दिया जा सके। इसी बीच बीजेपी इस खबर पर चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कमलनाथ को लगातार दरकिनार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से कमलनाथ जी को या किसी कांग्रेस कार्यकर्ता को कहां भेजे, पर अब तक जो कमलनाथ जी के साथ हुआ है वो उनका राजनीतिक अपमान है। उनको त्यागपत्र देने का अवसर नहीं दिया और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। फिर श्रीमान जितेंद्र पटवारी जी अध्यक्ष बने, उन्होंने कहना शुरू किया कि अब कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी, यानी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गुटबाज थे। फिर जितेंद्र पटवारी ने कहा कि अब कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को सुनी जाएगी, यानी कमलनाथ कार्यकर्ताओं को नहीं सुनते थे। तो कांग्रेस के भीतर कमलनाथ का अपमान यदि कोई कर रहा है उसका नाम है जितेंद्र पटवारी यानी जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए विपरीत आने के बाद से ही पार्टी में बड़ी उठापटक चल रही है। जबलपुर के महापौर समेत कई नेता पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। अब कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, लेकिन इसके पहले राज्यसभा के लिए सर्वसहमति से किसी एक नेता का नाम आगे करना भी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। भोपाल से न्यूज 18 के लिए वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।